हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 डिजिटल क्लास एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं SST का चैप्टर नंबर 3, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। ठीक, ये चैप्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं पर आज हम इसको रिवाइज करेंगे और आगे के टॉपिक्स देखेंगे। ठीक, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं वो हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक, फैक्टर्स जो वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फेयर। लाइफ जो है अर्थ में वो सिर्फ बायोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। द जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, एयर एंड वाटर। बायोस्फेयर क्या है? बायोस्फेयर एक ऐसा जोन है जो लैंड, एयर और वाटर के बीच में कॉन्टैक्ट दिखाता है, या फिर वो एक ऐसा जोन है जिसमें हमें ये पता चलता है कि लैंड, एयर और वाटर तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। इन द बायोस्फेयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। बायोस्फेयर में जो लिविंग बींग्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज द इकोसिस्टम। और ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हों उसको बोलते हैं हम इको सिस्टम। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या है? वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। वैल्यूएबल मतलब कीमती रिसोर्सेज हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ टिम्बर, फायरवुड, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिव अस फ्रूट्स, गम, नट्स, लेटेस्ट मेडिसिनल सब्सटेंसेस, पेपर एट्सेट्रा। जो प्लांट्स हैं वो हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारे मार्केट में ग्रोथ होती है, जिन चीज़ों को हम बेच के नई चीज़ें बना सकते हैं उनसे। ठीक है, और ये चीज़ें हमारे काम बहुत आती हैं। दे ऑल्सो बाइंड द सॉइल एंड चेक सॉइल इरोजन। और वो सॉइल को बांध कर सॉइल इरोजन चेक करते हैं। ठीक, एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट, वुल, हाइड्स एट्सेट्रा। एनिमल्स हमें क्या क्या देते हैं? एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं, जैसे कि हमें काउ मिल्क देती है, बफेलो मिल्क देती है, गोट भी मिल्क देती है। मीट, हम चिकन जो है वो मीट है। वुल हमें शीप देती है। हाइड्स एक तरीके से जो है, हाइड्स बोलते हैं एनिमल की स्किन के फ्लैश, एक तरीके से फ्लैश को ही बोलते हैं, तो एनिमल से हमें हाइड्स भी मिलती हैं एट्सेट्रा। सम एनिमल्स आर यूज इन फार्म ऑपरेशंस एंड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फार्म ऑपरेशन मतलब फार्म में यूज़ होते हैं, जैसे कि हॉर्सेज हो गए। ठीक, और आपकी हैन हो गई, हैन, हॉर्स, गोट, काउ, ये सब फार्म ऑपरेशन फार्म में यूज़ होते हैं। ठीक, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कि बुल हो गए, ऑक्स हो गए, ये सब ट्रांसपोर्ट में यूज़ होते हैं। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट। और दोनों प्लांट और एनिमल दोनों ही हमें हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट में बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, और वो एक दूसरे का बैलेंस बनाए रखते हैं, किस में? एनवायरनमेंट में। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करते हैं, तो देख लेते हैं। द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन एन एरिया डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, द रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। यानी कि जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है वो इन तीन चीज़ों पर डिपेंडेंट है। कौन कौन सी पे? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पे, रेंज ऑफ टेम्परेचर पे और अमाउंट ऑफ रेनफॉल पे। यानी कि वहाँ पर
इसका मतलब क्या हो गया? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब वहाँ पर फूड की अवेलेबिलिटी कैसी है, वहाँ पर कितना खाना है, कम है, ज़्यादा है, ये सब। रेंज ऑफ टेम्परेचर, वहाँ की रेंज ऑफ टेम्परेचर कितनी है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि ज़्यादा ठंडी है कि बरसात का मौसम रहता है। और अमाउंट ऑफ रेनफॉल तो वही हो गया कि ज़्यादा बारिश है या कम बारिश है, ये सब। ठीक। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस। प्लांट्स और एनिमल्स अपने आसपास के चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब एक तरीके से जवाब देते हैं इन दीज कंडीशंस, इन कंडीशंस में। फॉर एग्जांपल, व्हेन द वेदर बिकम्स वेरी कोल्ड, सम प्लांट्स एनिमल्स एंड बर्ड्स गो इनटू अ डॉर्मेंट और इनएक्टिव स्टेट। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो कुछ प्लांट्स एनिमल्स और बर्ड्स ऐसे होते हैं जो डॉर्मेंट या इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं हाइबरनेशन, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। और वो लोग जब तक विंटर रहेगा तब तक वो लोग सोते हैं, ऐसा बोलते हैं कि वो लोग अपने स्नेक्स के लिए ऐसा बोलते हैं, और रोडेंट्स जैसे कि माउस के लिए ऐसा बोलते हैं कि वो लोग जाके अपने बिल में सो जाते हैं, और फिर तभी बाहर आते हैं जब गर्मी आ जाती है। ठीक। द माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग टू इंडिया फ्रॉम साइबेरिया टू एस्केप द सीवियरली कोल्ड विंटर्स, देयर इज़ ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल। जो साइबेरिया में साइबेरियन क्रेन होती है, वो साइबेरिया से इंडिया आती है। क्यों आती है? क्योंकि साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और इंडिया में तो आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो वो वहाँ से बचने के लिए इंडिया आती हैं, ताकि उनको टेम्परेचर मिलता रहे, एक अच्छा टेम्परेचर रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। डेसीडियस ट्रीज रिड्यूस ट्रांसपिरेशन इन द ड्राई सीजन बाय शेडिंग देयर लीव्स। ट्रांसपिरेशन मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था क्या होता है, कि जो लीव्स अपने सरफेस से पानी लूज़ करती हैं सन की हीट की वजह से या फिर किसी भी रीज़न से, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो ये प्रोसेस ना हो, इसके लिए डेसीडियस ट्रीज जो होते हैं वो अपनी पत्तियां ही जड़ा देते हैं, ताकि उनमें से ट्रांसपिरेशन ना हो। और अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो पानी उनके अंदर ही रहेगा, और ड्राई सीजन में भी वो लोग सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स अडैप्ट देमसेल्व्स टू देयर हैबिटेट। सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स जो हैं अपने आप को ढाल लेते हैं अपने एनवायरनमेंट, अपने हैबिटेट के हिसाब से। However, if there is a major climate change, both plants and animals might not be able to adapt to the severe and lasting changes and may even become endangered or extinct. अगर बहुत ज़्यादा major change हो जाए climate में, तो animals और plants जो हैं वो शायद अपने आप को adapt ना कर पाएँ, और शायद इंडेंजर यानी कि ख़त्म होने की कवार पे आ जाए, या फिर एक्सटेंट बिल्कुल गायब ही हो जाए। समझ गए? नेचुरल वेजिटेशन क्या है? द वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस अ वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स रिजल्टिंग इन अ वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में क्या है, बहुत सारे क्लाइमेट्स होते हैं। ठीक है। बहुत सारे क्लाइमेट हैं जिनसे बहुत सारे वेजिटेशन हमको पता चलता है, कि बहुत सारे क्लाइमेट हैं, अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग वेजिटेशन होता है, तो हमको पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलता है। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ अर्थ मे बी ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट ग्रासेस एंड शर्ब्स। मेनली जो वेजिटेशन हैं वो इन तीन ग्रुप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, फॉरेस्ट में, ग्रास में और शर्ब्स में। फॉरेस्ट आर फाउंड इन ह्यूमिड क्लाइमेट। फॉरेस्ट जो है ह्यूमिड क्लाइमेट यानी कि ह्यूमिडिटी, उमस वाले मौसम में। ग्रासेस आर फाउंड इन रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। ग्रासेस वहाँ पाई जाती हैं जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, ना हैवी रेनफॉल ना लो रेनफॉल, मॉडरेट होती है, वहाँ पे ग्रासेस फाउंड होते हैं। और शर्ब्स ग्रो इन ड्राई रीजन्स। और शर्ब्स जो होती हैं वो ड्राई रीजन्स में मिलती हैं हमको। ड्राई रीजन्स कौन से होते हैं? ड्राई रीजन यानी कि सूखे सूखे रीजन, जैसे कि वो हो गए जहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती आपकी, वो हो गए ड्राई। एक मैप है जो दिखा रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन द वर्ल्ड। इसमें बहुत सारे सिम्बल्स हैं जो अलग अलग टाइप की वेजिटेशन दिखा रहे हैं, जैसे कि येल्लो कलर।
जैसे कि येलो कलर जो है वो डेजर्ट के लिए, ये आप देख सकते हैं ये डेजर्ट के लिए, ठीक है, येलो कलर जो है वो डेजर्ट के लिए, इधर पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के लिए रेड कलर है, ये हो गया। उसके बाद नीडल लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए ग्रीन कलर है जो ये है, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि अलग अलग कलर्स डिनोट किए गए हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के लिए पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। तो सबसे पहले जो है हमारा टाइप जो है वो हम पढ़ेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर सो कॉल्ड बिकॉज दे रिमेन ग्रीन ऑल थ्रू द ईयर। एवरग्रीन फॉरेस्ट, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वो पूरे साल ग्रीन रहते हैं, यानी कि पूरे साल वो कभी अपनी लीव्स जो है शेड नहीं करते। इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट दे हैव ब्रॉड लीव्स। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट यानी कि गर्म और ह्यूमिड मतलब ह्यूमिडिटी वाला, उमस वाले मौसम में उनकी चौड़ी लीव्स होती हैं ऐसी, वाइल एंड कोल्ड क्लाइमेट दे हैव नीडल लाइक लीव्स एंड बियर कोन कोन्स। और विंटर्स में उनकी जो लीव्स है वो पतली हो जाती हैं और उनमें कोन्स बन जाते हैं। कोन्स यानी कि आपने ऐसे कांटे देखे होंगे, कांटे तो एक कोन शेप होते हैं ऐसे ही। दीज फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर ग्रुप्स। इन टाइप के फॉरेस्ट जो हैं, ये टाइप के फॉरेस्ट फोर ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, मेडिटेरेनियन एंड कॉनिफेरस। तो अभी हम लोग एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं? दीज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकर इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल। ये जो टाइप के फॉरेस्ट हैं ये कहाँ मिलते हैं? जहाँ पर हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। विच आर क्लोज टू द इक्वेटर, जो इक्वेटर के पास होते हैं। देखिए हमें दो पॉइंट मिल गए, पहला हैवी रेनफॉल होती है और दूसरा इक्वेटर के पास। इट इज़ हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर रिजल्टिंग इन थिक एंड डेंस फॉरेस्ट। ये जो होते हैं हॉट होते हैं, गर्म होते हैं और वेट गीले, थ्रू आउट द ईयर पूरे साल में गर्म और गीले रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है थिक और डेंस फॉरेस्ट। थिक मतलब मोटा, डेंस मतलब घना, ठीक है। तो मोटे और घने जंगल हमको मिलते हैं। हार्डवुड ट्रीज सच एज महागुनी, इबोनी, रबर, रोजवुड एंड सिंकोना आर द इम्पॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। ये सारे जो ट्रीज हैं ये इम्पॉर्टेंट ट्रीज हैं जो इस तरीके के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये जितने भी नाम हैं ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। ये जितने भी नाम आप लोग देख रहे हैं ये आपको लर्न करने हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द अमेज़ॉन बेसिन इन साउथ अमेरिका। अमेज़ॉन बेसिन में पाए जाते हैं जो साउथ अमेरिका में है। इन ज़ायर बेसिन इन अफ्रीका, ज़ायर बेसिन जो है वो भी अफ्रीका में है। इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ऑफ मलेशिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ मलेशिया की, इंडोनेशिया में, न्यू गिनिया में, वियतनाम एंड पार्ट्स ऑफ फिलीपींस। तो इतनी जगह पर ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं हमारे वो पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि आपको बनानी है एक टेबल, ठीक है। आप ऐसे टेबल बनाएंगे, आप हेडिंग डालेंगे कौन से टाइप का फॉरेस्ट है, कहाँ कहाँ मिलता है, क्या कंडीशंस होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस कि कहाँ हैवी रेनफॉल है, क्या है, कौन से टाइप के ट्रीज़ हैं, कौन कौन सी जगहों पर पाया जाता है, ये सब आपको लिखना है। और जब आप हर एक टाइप के ट्री के बारे में ये बना लेंगे ना, तो आपको टेबुलर फॉर्म से, टेबल के फॉर्म से बहुत अच्छे से ये याद हो जाएगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। द अमेज़ॉन बेसिन दीज फॉरेस्ट आर नोन एज सेल्वास। और जो हमारे ये वाले जो फॉरेस्ट हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनको हम क्या बोलते हैं? सेल्वास बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट।
These forests grow in the warm temperature region of southern China, southern Japan and in southeastern regions of Brazil. ये जो इस टाइप के जो फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पे जहाँ उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पर वार्म टेम्परेचर होता है, जैसे कि सदर्न चाइना, साउथ का चाइना, साउथ के जापान और साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ ब्राज़ील. साउथ ईस्टर्न मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में आने वाला ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए. ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में भी पाए जाते हैं. मिक्सड वेराइटी ऑफ हार्डवुड ट्रीज़ आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. और मिक्सड वेराइटी मिलती है हार्डवुड ट्रीज़ की. हार्डवुड यानी कि इनकी जो वुड होती है वो बहुत सख्त होती है, इसलिए इसका नाम है हार्डवुड. अमंग देम आर वॉलनट, कैम्फर, ओक, पाइन, यूकलिप्टस, मलबेरी एट्सेट्रा. वॉलनट अखरोट होता है, कैम्फर कपूर होता है, ओक हो गया, पाइन हो गया, यूकलिप्टस सबसे लंबा पेड़ है यूकलिप्टस, मलबेरी एक टाइप की बेरी और एट्सेट्रा. तो ये सारे पेड़ जो हैं ये आते हैं किस में, हमारे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में. ये पूरा पैरा आपको याद करना है. हर चीज़ इंफॉर्मेशन जो फॉरेस्ट के बारे में दी है वो आपको याद करनी रहेगी. ठीक. मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट. मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट क्या होते हैं? दीज फॉरेस्ट आर फाउंड लार्जली इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी. जो एरियाज मेडिटेरेनियन सी के आसपास आते हैं वहाँ पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे कि इटली, ग्रीस, पोर्चुगल, साउथ फ्रांस, इजराइल, टर्की, सेंट्रल चाइल, साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड कैलिफोर्निया. तो इतनी जगहों पर हमारे मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट जो हैं वो पाए जाते हैं. इन दीज रीजन्स समर्स आर ड्राई एंड रेनफॉल्स इन विंटर. जो समर्स होती हैं गर्मियों में बहुत ड्राइनेस होती है, सूखा रहता है, और रेनफॉल जब होती है तो वो होती है सर्दियों में. सर्दियों में हमारे यहाँ पे बारिश हो जाती है और समर में सूखा रहता है. द ट्रीज़ आर नॉट थिक एंड हैव ब्रॉड लीव्स. ट्रीज़ जो हैं घने नहीं हैं यहाँ पे. आप देखेंगे ट्रीज़ तो ब्रांचेस ज़्यादा दिखेंगी, पत्तियाँ कम दिखेंगी, और जो पत्ती है वो है ब्रॉड सी. ब्रॉड मतलब चौड़ी पत्ती ऐसी टाइप की. ठीक. They are of medium height and have several adaptations like thick barks, waxy leaves and long roots to withstand a dry summer. और उनके पास बहुत सारी adaptations हैं, मतलब उन्होंने अपने आप में ऐसी changes कर लिए हैं ताकि वो अपने environment में अपने आप को ढाल लें. क्या क्या changes हैं? Thick bark है, देखिए मोटा bark होगा तो बहुत ज़्यादा पानी store कर लेंगे इसमें. तो समर्स में जो ड्राई सीजन होता है तो बहुत सारा पानी है तो इन लोग को दिक्कत नहीं होगी. दूसरी बात आया हमारा ट्रांसपिरेशन, जिससे पानी उड़ जाता है. तो इनके पास क्या है? वैक्सी लीव्स है. वैक्सी लीव मतलब लीव के ऊपर एक वैक्स की लेयर है. जब वैक्स की लेयर है तो पानी ऊपर जा ही नहीं पाएगा. ठीक. तो पानी जो है एक तो बार्क में स्टोर है और एक वो निकलेगा नहीं. तीसरा क्या है? लॉन्ग रूट्स. देखिए ये पेड़ है हमारा और जब उसकी लंबी लंबी रूट्स होंगी तो वो बहुत ज़्यादा नीचे सॉइल के बहुत ज़्यादा नीचे पार्ट पे जाकर पानी अपने खींच लेगा. मान लीजिए ये है सॉइल का ऊपरी भाग, तो यहाँ पे हमारा पानी ख़त्म हो गया. अब जो रूट्स हैं इसकी लंबी लंबी तो वो नीचे नीचे जा जाके कहीं से भी पानी ढूंढ लाएंगी. ठीक. तो पहली बात क्या हो गई कि यहाँ से इनको पानी मिलता है. दूसरी बात ये लोग बाक्स में स्टोर कर लेते हैं. और तीसरी बात इनका पानी निकलता नहीं है. क्यों? क्योंकि इनकी वैक्सी लीव्स हैं तो ट्रांसपिरेशन होता नहीं है. इस वजह से ये लोग ड्राई समर में भी सरवाइव कर लेते हैं और सूखे नहीं पड़ते. ठीक. द मेन ट्रीज आर ओलिव, ओक, सेदार, पाइन, फिर, फिग, लॉरेल एंड सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज एंड लेमन. और ये सारे जो ट्रीज हैं ये आते हैं हमारे मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में. ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा. उसके बाद हमारे पास एक डू यू नो वाला बॉक्स है कि क्या आपको पता है अमेज़न फॉरेस्ट जो है वो लंग्स ऑफ आर प्लैनेट बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये 20% मोर देन 20% 20% से ज़्यादा वर्ल्ड की ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है. मतलब जितने वर्ल्ड में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसका 20% से ज़्यादा हिस्सा
सिर्फ अकेला ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट ही प्रोड्यूस कर देता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या होते हैं? दीज फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन 55 डिग्रीज टू 70 डिग्रीज लैटिट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये जो टाइप के फॉरेस्ट हैं ये 55 डिग्रीज टू 70 डिग्रीज लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। मतलब ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर वाला जो है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला जो है वो है सदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इतने लैटिट्यूड्स पे ये पाए जाते हैं। फिर द मेन रीजन्स आर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, सदर्न कनाडा, रशिया एंड साइबेरिया। और ये जो है इनके मेन लोकेशंस हैं कहाँ पर ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज ताइगा। इन फॉरेस्ट को हम ताइगा भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द हाई एल्टीट्यूड्स पे भी पाए जाते हैं। द ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रेट एंड आर कॉनिकल इन शेप। जो ट्रीज होते हैं वो लंबे, स्ट्रेट और कॉनिकल इन शेप होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक, उसके बाद दे आर सॉफ्टवुड ट्रीज सूटेबल फॉर पेपर मेकिंग। इनकी जो वुड होती है वो सॉफ्ट होती है और ये किस काम में आती है? पेपर मेकिंग, पेपर बनाने के काम में आती है। द मेन स्पीशीज ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज आर पाइन, फिर, स्प्रूस एंड सिदार। और ये सारी इनकी मेन स्पीशीज हैं जो पाई जाती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने डेसीडियस फॉरेस्ट पे। डेसीडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं? डेसीडियस फॉरेस्ट आर दोज इन विच ट्रीज शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। जहाँ पर ट्रीज अपनी पत्तियों को गिरा दें, आप शेड कर दें लीव्स को उस किसी पर्टिकुलर सीजन में, इसको हम बोलते हैं डेसीडियस फॉरेस्ट। दिस इज़ डन टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स बाय ट्रांसपिरेशन। अब देखिए, एवरग्रीन फॉरेस्ट के एक फॉरेस्ट में क्या था, जो हमने मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट पढ़े थे वहाँ पे इनके पास वैक्सी लीव्स थी, लेकिन डेसीडियस फॉरेस्ट में वैक्सी लीव्स तो है ही नहीं, तो ये क्या करेंगे, ये अपनी पत्तियाँ ही गिरा देते हैं ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए। डेसीडियस फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट और टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट, ये दो ग्रुप्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। पहले हम देख लेते हैं ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट क्या होता है? दीज फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली इन ट्रॉपिकल एरियाज दैट हैव अ मॉनसूनल क्लाइमेट मार्क्ड बाय सीजनल ड्राई एंड वेट क्लाइमेट। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये फॉरेस्ट जो है मेनली ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एरियाज़ क्या होते हैं? जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जो सीज़न होता है वो ड्राई और वेट होता है। ठीक, द मेन रीजन्स वेयर दीज फॉरेस्ट आर लोकेटेड आर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, श्रीलंका, साउथ ईस्टर्न USA, ईस्टर्न अफ्रीका एंड नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और ये कुछ जगहें हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कौन कौन सी जगहें हैं? हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसके बाद श्रीलंका है, फिर USA का साउथ ईस्टर्न पार्ट है, और फिर अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट है, और ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। ठीक, द ट्रीज आर ऑफ मीडियम हाइट एंड शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। ट्रीज कैसे मीडियम हाइट के होते हैं? ना ज़्यादा लंबे होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं, मीडियम हाइट के होते हैं। और अपनी पत्तियाँ कब गिराते हैं? ड्राई सीजन में, जब सीजन सूखा होता है, जब पानी नहीं मिलता है, तब ये लोग अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। क्यों? बस वही आ गया, वाटर को स्टोर करने के लिए। द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट आर कमर्शियली वेरी वैल्यूएबल। ठीक है, मार्केट में इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप इनको बेचने जाएँ तो आपको अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ ऑफ दीज फॉरेस्ट आर टीक, सैंडलवुड, साल, बैम्बू, यूकलिप्टस एट्सेट्रा। और ये सारे ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे बिकते हैं, इनका फर्नीचर भी बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। और ये कुछ स्पीशीज़ हैं इन ट्रीज़ की, इन फॉरेस्ट के ट्रीज़ की। ठीक,
टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट आ गया है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो देख लेते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द कूल टेम्परेट रीजन्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये कूल टेम्परेचर के रीजन्स में पाए जाते हैं, जहाँ उन रीजन्स में जहाँ पर कूल टेम्परेचर हो, जैसे कि सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप में, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए में, कैनेडा में, नॉर्दर्न चाइना में, जापान में, नॉर्थ और साउथ कोरिया में, और सदर्न पार्ट्स ऑफ चाइल्ड में एंड न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में भी पाए जाते हैं। तो इतने एरियाज हैं जहाँ पर ये वाले फॉरेस्ट टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द ट्रीज हैव ब्रॉड लीव्स विच दे शेड इन ऑटम। और ट्रीज के पास जो होती हैं ब्रॉड लीव्स होती हैं, जिनको ये लोग किस ऑटम सीजन में गिरा देते हैं। ऑटम सीजन यानी कि जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं और गर्मियाँ आने वाली होती है, तो उसको हम ऑटम सीजन बोलते हैं। तो ट्रीज के पास जो होती हैं ब्रॉड लीव्स होती हैं, जिसको वो ऑटम सीजन में गिरा देते हैं। द इम्पॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर मेपल, डोगलास फिर, ऐश, बिर्च, रेडवुड एट्सेट्रा। ये सारी इनकी स्पीशीज हैं डेसिडियस फॉरेस्ट की, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये था हम लोग का फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का, और अब हम लोग ग्रासलैंड्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू सून। थक गया, चलो लाइट भी आ गई, सो लो। नहीं, अभी पूरा चैप्टर बना के सोएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 SST एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का सेकंड पार्ट, जहां पर हमें ग्रासलैंड से अपना चैप्टर आगे पढ़ाना था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रासलैंड्स क्या होते हैं देख लेते हैं। ग्रासलैंड्स कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू मेन टाइप्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। ग्रासलैंड जो होते हैं वो दो टाइप के हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। आप लोग को याद होगा कि डेसिडियस फॉरेस्ट भी हमने दो टाइप के पढ़े थे, वो यही दो टाइप थे, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और
टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो चलिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं। दीज रीजन्स आर फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द ट्रॉपिकल रीजन्स। जैसे कि कहाँ पर पाए जाते हैं ये, जैसे कि ये हमारी अर्थ है और ये है इक्वेटर, तो ईदर साइड यानी कि दोनों साइड पर पाए जाते हैं इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन यही होता है ये ट्रॉपिकल रीजन, और यहाँ के जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनके इंटीरियर में कहीं ये पाए जाते हैं। उसके बाद दीज एरियाज़ हैव अ मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग द समर सीजन एंड अ डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन। मॉडरेट रेनफॉल होती है, ना ज़्यादा होती है ना कम होती है, ठीक ठाक होती है समर सीजन में और एंड अ डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन, और यहाँ पे ड्राई सीजन भी होता है। जनरली टॉल ग्रासेस एंड स्कैटर्ड ट्रीज एंड शर्ब्स ग्रो इन सच एरियाज। यहाँ पे कैसी कैसी टाइप की चीज़ें ग्रो होती हैं, टॉल ग्रासेस लंबी लंबी घास, स्कैटर्ड ट्रीज मतलब एक गुच्छे में ट्रीज, और शर्ब्स ग्रो करते हैं इन एरियाज में। दीज आर फाउंड इन साउथ अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, साउथ एशिया एंड नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ इन एरियाज में ये ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। आपने अफ्रीकन सवाना का भी नाम सुना होगा, जो अफ्रीकन सवाना है वो है ग्रासलैंड। इन जनरल दीज ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड सवाना, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था जो ग्रासलैंड अफ्रीका में है उसको हम बोलते हैं अफ्रीकन सवाना। दे आर ऑल्सो नोन एज लानोस, ठीक है, इनको हम लानोस भी बोलते हैं। इन वेनेजुएला एंड कैंपोस ब्राज़ील, और इस जगह पर हम इसे लानोस भी बोलते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द मिडिल लैटिट्यूड्स, दैट इज़ बिटवीन 35 degrees टू 50 degrees इन बोथ द हेमिस्फीयर। जैसे कि ये अर्थ है हमारी और ये इक्वेटर है, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये है सदर्न हेमिस्फीयर, तो ये भी दोनों हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर? 35 to 50 degrees के लैटिट्यूड्स में, ठीक। दे आर सिचुएटेड इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ये लाइन में पढ़ी हूँ, दे आर सिचुएटेड इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स वेयर द रेनफॉल इज़ नॉट इनफ फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। जहाँ पर रेनफॉल जो होती है वो ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए इनफ नहीं है, यानी कि ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए हमें और रेनफॉल चाहिए। दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन, इनके अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम होते हैं। इन नॉर्थ अमेरिका दे आर नोन एज प्रेरीज, नॉर्थ अमेरिका में हम इन्हें प्रेरीज के नाम से जानते हैं। साउथ अमेरिका में ये किस नाम से जाने जाते हैं, पंपास के नाम से जाने जाते हैं। यूरेशिया में, यूरेशिया क्या होता है, जब हम यूरोप और एशिया के रीजन्स को एक साथ बोलें तो वो होते हैं यूरेशिया, तो यूरेशिया में ये स्टेप्स के नाम से पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका में वेल्ड के नाम से और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से ये मशहूर हैं। उसके बाद दीज ग्रासलैंड्स आर सूटेबल फॉर कैटल एंड शीप रेयरिंग, कैटल और शीप रेयरिंग के लिए ये लोग, ये जो ग्रासलैंड है ये सूटेबल हैं। क्यों सूटेबल हैं कैटल और शीप रेयरिंग के लिए? क्योंकि यहाँ पर पहली बात श्रब है, उसके बाद ट्रीज़ की ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो मीडियम हाइट के ट्रीज़ हैं, तो कैटल आसानी से इसको हम लोग, मतलब जो कैटल है वो आसानी से इसको ग्रेस कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है डेजर्ट वेजिटेशन। डेजर्ट वेजिटेशन तो आप सब जानते होंगे, डेजर्ट यानी कि क्या होता है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ कॉमन इन द डेजर्ट्स फाउंड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द ट्रॉपिकल रीजन। ये जो इस टाइप की वेजिटेशन जो है वो कॉमन है काय में, वेस्टर्न मार्जिन्स में, जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स इंक्लूड द सहारा एंड कालाहारी इन अफ्रीका, सहारा डेजर्ट में और कालाहारी एरिया में
कहाँ पर? अफ्रीका में ये पाए जाते हैं, डेजर्ट। द अटैकमा इन साउथ अमेरिका एंड द अरेबियन डेजर्ट, द सोनोरन डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट एंड द इंडियन डेजर्ट। तो ये सारे जो हैं कुछ डेजर्ट्स के नाम हैं जहाँ पर हमारी डेजर्ट वेजिटेशन पाई जाती है। फिर तो ये सारे जो नाम हैं ये आपको याद करने होंगे, ठीक। फिर इन द हॉट ड्राई डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रेनफॉल इज़ लो एंड वेजिटेशन कवर नेग्लिजिबल। आपको पता है डेजर्ट में तो रेगिस्तान है तो वहाँ पर पानी तो होता ही नहीं है, रेनफॉल भी बहुत लो होती है और वेजिटेशन जो है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर, नेग्लिजिबल होता है। ओनली ज़ीरो फाइट्स और ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट्स कैन ग्रो इन सच हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। ज़ीरो फाइट्स क्या होते हैं? ज़ीरो फाइट्स वो होते हैं जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और जिनकी लीव्स की जगह पर कांटे होते हैं, तो इसको हम उनको हम बोलते हैं ज़ीरो फाइट्स, ठीक है। इनमें कौन कौन से प्लांट आ गए? जैसे कैक्टस, असेशिया एंड डेट पाम्स आर द मेन स्पीशीज़ फाउंड हेयर। ये जो है मेन स्पीशीज़ हैं। फिर डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स, थिक बार्क्स, वैक्सी स्टेम एंड स्पिनी और हेयरी लीव्स टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन की रेट को रिड्यूस करने के लिए इनके पास लॉन्ग रूट होती है। जैसे कि पिछली बार मैंने बताया था लॉन्ग रूट्स क्यों हेल्प करती हैं, तो आपको फिर से वो रिकॉल करना होगा। थिक बार्क्स होते हैं, वैक्सी स्टेम और स्पिनी एंड हेयरी लीव्स होती हैं। स्पिनी और हेयरी लीव्स मतलब जिन लीव्स का ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं होता है, तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं होगा तो वो वाटर भी ज़्यादा लूज़ नहीं कर पाएंगी, और इसलिए यहाँ पर स्पिनी और हेयरी लीव्स होती हैं। फिर आ जाते हैं हमारे टॉपिक टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द हाई लैटिट्यूड्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू द नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल। कहाँ पर पाया जाता है ये? ये पाया जाता है हाई लैटिट्यूड्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हाई लैटिट्यूड्स में जो है आर्कटिक सर्कल में। द क्लाइमेट इज़ वेरी कोल्ड एंड ड्राई, बहुत ठंड पड़ती है और सूखा रहता है। द कोल्ड इज द ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ स्नो फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। बहुत समय के लिए जो ग्राउंड है वो स्नो से कवर्ड रहता है। द ग्रोइंग सीजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द शॉर्ट समर व्हेन मोसेस, लीहॉर्न्स एंड वेरी शॉर्ट ग्रासेस ग्रो। जो समर सीज़न है वो बहुत शॉर्ट होता है जिसमें ये सारे स्पीशीज़ ग्रो करती हैं। फिर नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। अब ये तो थी बात हमारे पूरे वर्ल्ड की, अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है। इंडिया हैव अ वाइड वेराइटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इंडिया में बहुत बड़ी वेराइटी है नेचुरल वेजिटेशन की। From the high Himalayan mountains to low coastal plains, all types of vegetation are found here. Himalaya mountains से लेकर coastal plains तक बहुत बड़ी vast vegetation पाई जाती है इधर। The major vegetation types of India are tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, thorn forest, mountain forest and tidal forest. इन types के forest जो हैं ये इंडिया में पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं पहले हम ये देख लेते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज वेयर रेनफॉल इज़ मोर देन 200 सेंटीमीटर्स। ठीक, हमें तो पता था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, अब हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो इंडिया में ये उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल जो है 200 सेंटीमीटर्स से ज़्यादा हो। वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैव सच वेजिटेशन। इन इन जगहों पर ऐसी वेजिटेशन पाई जाती है। द कमर्शली इम्पॉर्टेंट हार्डवुड ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट इंक्लूड महोगनी, चिंकोना,
एबोनी एंड रोजवुड, और ये सारे टाइप्स के जो फॉरेस्ट हैं वो इस जगह पाए जाते हैं, इन फॉरेस्ट में इंक्लूडेड हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इनको हम ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट, इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और इंडिया के लार्ज पार्ट में आते हैं ये, लार्ज पार्ट मतलब ज़्यादातर पार्ट में इंडिया के ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आते हैं, जहाँ पर एनुअल रेनफॉल जो होती है, एनुअल रेनफॉल इज़ बिटवीन 100 and 200 सेंटीमीटर, जहाँ पर एनुअल रेनफॉल 100 and 200 सेंटीमीटर्स के बीच में रहती है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, शीशम, बैम्बू एंड सैंडलवुड, और ये सारे जो ट्रीज हैं ये इस फॉरेस्ट की इम्पॉर्टेंट स्पीशीज है। थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्न मतलब होता है कांटे और फॉरेस्ट मतलब जंगल, तो ऐसे जंगल जिनके पेड़ों में जो हैं कांटे हों। तो थॉर्न फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज विथ लेस देन 50 centimeters ऑफ एनुअल रेनफॉल। क्यों इतनी लेस रेनफॉल में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि अगर थॉर्न होगा और लीफ नहीं होगी तो ट्रांसपायरेशन रेट 0% हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे पानी ज़्यादा उड़ेगा नहीं एटमॉस्फेयर में और पेड़ को पानी की कभी कमी ही नहीं महसूस होगी। तो अगर वो लेस रेनफॉल के एरिया में भी है तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ गए बच्चों। अब सच वेजिटेशन इज़ फाउंड इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा एंड इन ड्राई एरियाज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये जो टाइप की वेजिटेशन है ये राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में और पेनिनसुलर इंडिया के ड्राई रीजन्स में पाई जाती है, ठीक। थॉर्नी बुशेस एंड शर्ब्स विद सम स्कैटर्ड ट्रीज लाइक असेसिया, बबूल एंड किकार आर फाउंड हेयर, और थॉर्नी बुशेस जो होती हैं जैसे कि असेसिया, बबूल, किकार यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक। अब आते हैं हमारे माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट क्या है? माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली इन द हिमालयस एंड ऑन द हायर हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एंड पेनिनसुलर इंडिया। माउंटेन फॉरेस्ट जो हुए हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न और पेनिनसुलर इंडिया के हायर हिल्स में पाए जाते हैं, ठीक। जैसे कि हिमालयस में द वेजिटेशन चेंजेस विथ एल्टीट्यूड बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर और एल्टीट्यूड की वजह से यहाँ का जो वेजिटेशन है वो भी चेंज होता है। एट एल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल टू अबाउट 1800 या फिर 1800 meters डेसिडियस ट्रीज सच एज साल आर फाउंड। 1800 meters पे डेसिडियस फॉरेस्ट जो साल होते हैं, साल ट्रीज वो दिखते हैं हमें। अप टू हाइट ऑफ 3300 meters पाइंड, देवदार, सेदार, स्प्रूस, सिल्वर फिर एंड सम कॉनिफेरस आर फाउंड। और 3300 meters की ऊंचाई पर पाइन, देवदार, सेदार, स्प्रूस, सिल्वर फिर एंड कॉनिफेरस ट्रीज पाए जाते हैं। अबव 3300 meters ओनली एल्पाइन श्रब्स एंड नीडोज कैन बी सीन। और जब हम इससे ऊपर जाते हैं तब हमें एल्पाइन श्रब्स दिखती हैं, और क्या दिखते हैं, नीडोज दिखते हैं, ठीक है। परमानेंट स्नो लाइन, और उन पे परमानेंट स्नो लाइन होती है। परमानेंट स्नो लाइन मतलब परमानेंटली बर्फ जमी रहती है। टाइडल फॉरेस्ट पे आते हैं हम, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड आर फाउंड ऑलमोस्ट ऑल अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। इनको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हैं, और पूरे ईस्टर्न कोस्ट के साइड में ये पाए जाते हैं। विच हैज़ अ नंबर ऑफ लार्ज डेल्टास फाउंड बाय रिवर्स लाइक द गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है। और ये जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पे डेल्टास फॉर्म होते हैं रिवर्स के,
कौन कौन सी रिवर्स डेल्टास बनाती हैं? गोदावरी बनाती है, गंगा बनाती है, ब्रह्मपुत्र बनाती है, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, ये रिवर्स यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं। द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन बोथ फ्रेश एंड सलाइन वाटर, फ्रेश वाटर में भी और सलाइन वाटर। सलाइन वाटर मतलब नमक का पानी और फ्रेश वाटर मतलब बिना नमक का पानी, दोनों वाटर्स में ये सर्वाइव कर सकते हैं। द सुंदरबंस गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हैज़ द बिगेस्ट स्ट्रेच ऑफ टाइडल फॉरेस्ट। सुंदरी इज़ द मोस्ट कॉमन ट्री फाउंड इन दिस रीजन। और जो सुंदरबन डेल्टा है, ठीक, वहाँ पे सुंदरी ट्रीज हैं वो मोस्ट कॉमनली दिखते हैं हमको। फिर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इट्स एवर ग्रोइंग डिमांड फॉर लैंड हैज़ रिजल्टेड इन डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी नीड्स भी बढ़ रही हैं। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो घर भी बढ़ेंगे, घर बढ़ेगा तो फर्नीचर बढ़ेगा। फर्नीचर कहाँ से आता है? फर्नीचर तो हमारी लकड़ियों से आता है। चलो लकड़ियाँ काटो, पेड़ काटो, फर्नीचर बनाओ। ठीक, तो इससे क्या होगा? इससे हमारे फॉरेस्ट जो होंगे वो डिप्लीट होंगे, डिप्लीट यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर फार्मिंग, ग्रोथ ऑफ सिटीज, इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। फॉरेस्ट जो हैं वो फार्मिंग के लिए, फार्मिंग मतलब खेती बाड़ी के लिए हमने फॉरेस्ट काट दिए, ये सोच कर कि इस जगह पर हम खेती करेंगे। ग्रोथ ऑफ सिटीज़, सिटीज़ को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए हमने फॉरेस्ट को काट के रख दिया है। फिर द रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर इज कॉल्ड डीफॉरेस्टेशन। और जब हम इतने सारे फॉरेस्ट को काट दें तब इसको हम बोलते हैं डीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन हैज सेवरल हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट, सच एज लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल्स, लॉस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, लॉस ऑफ फॉडर फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स एट्सेट्रा। और जब डीफॉरेस्टेशन हो जाएगा, हमारे पास प्लांट्स ही नहीं बचेंगे, तो इसके बहुत घातक इफ़ेक्ट भी होंगे। क्या क्या होंगे? कि हमारे पास हैबिटेट नहीं बचेगा वाइल्ड एनिमल्स के लिए। जैसे कि आपने देखा है कितनी सारी बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स होती हैं वो तो ट्रीज पे ही अपना गुजारा करती हैं ना, वो अपने नेस्ट भी ट्रीज पे ही बनाती हैं। तो जब ट्रीज ही नहीं होंगे तो बर्ड्स कैसे अपने नेस्ट बनाएंगी? ठीक, बर्ड्स कहाँ पे रहेंगी? हमको बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो ट्रीज से मिलते हैं, जो हमें मिलना बंद हो जाएंगे। उसके बाद हमें फॉडर कहाँ से मिलेगा? फॉडर क्या होता है? फॉडर मतलब घास फूस जो हम डोमेस्टिक एनिमल्स अपनी काउस को, बफेलोस को खिलाते हैं, तो वह कहाँ से आएगा सब? इन एडिशन टू दिस, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज हैज़ रिजल्टेड इन एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। जो ट्रीज हैं वो हमें O2 यानी कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और हम ह्यूमंस जो हैं वो इस ऑक्सीजन को इनहेल करके, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ट्रीज़ लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। अब जब यही ट्रीज़ नहीं होंगे, ठीक है, और ट्रीज़ नहीं होंगे तो O2 प्रोड्यूस नहीं होगा। O2 प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। जो ऑक्सीजन बची होगी वो ह्यूमंस इनहेल कर लेंगे, और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि सारी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी और हम इनहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ना ट्रीज़ हैं जो हमें ऑक्सीजन दे पाएँ, और हमने ऑक्सीजन ऑलरेडी यूज़ कर लिया है और उसे बना दिया है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हमारे पास बचा क्या? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो एक टाइम पे अगर ट्रीज मर गए तो फिर ह्यूमंस भी मर जाएंगे। समझ में आया आप लोग को? दैट इज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही ग्लोबल कंसर्न का प्रोसेस है। दस इट इज़ एसेंशियल टू मेक द नेचुरल वेजिटेशन कवर ओवर द प्लैनेट। और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम क्या करें, हम नेचुरल वेजिटेशन का कवर बनाए रखें प्लैनेट पर। अवेयरनेस अबाउट देयर इम्पोर्टेंस नीड टू बी स्प्रेड अमंग ऑल पीपल एंड ऑल ऑफ ऑल कम्युनिटीज़। और इसकी जो अवेयरनेस है वो हमें
सारे लोगों तक पहुंचानी चाहिए। द फॉलोइंग आर सम मेजर्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, और कुछ ये मेजर्स हैं कि कैसे हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। जैसे कि रेकलेस डिफॉरेस्टेशन शुड बी चेक्ड। रेकलेस डिफॉरेस्टेशन शुड बी चेक्ड मतलब जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, अंधाधुंध पेड़ काटते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए और ये चेक होना चाहिए। हमें लीगल रीजन से काटना चाहिए अगर काट भी रहे हैं तो, और अगर काट रहे हैं तो उसकी जगह एक नया पेड़ लगाना चाहिए। द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन बाय द ट्राइबल पीपल शुड बी स्टॉप। शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है कि कोई पैच ऑफ लैंड होता है, कोई टुकड़ा होता है, वहाँ पर ट्राइबल पीपल जाते हैं, वहाँ के फॉरेस्ट जो होते हैं वो सारे फॉरेस्ट को काट देते हैं, ठीक है। तो इनको एक क्लियर पैच ऑफ लैंड मिलता है, वहाँ पर ये खेती बाड़ी करते हैं अपनी, ये बहुत सारे क्रॉप्स उगा लेते हैं, और फिर क्रॉप्स उगा ली, क्रॉप्स को काट लिया और फिर इस लैंड को जला देते हैं पूरा, ठीक। और जो एशेज होती हैं वो इसी पे छोड़ देते हैं और चले जाते हैं कहीं और फिर से किसी लैंड के साथ ऐसा ही करते हैं। तो जब आप पेड़ काट देंगे तो और उसे जला छोड़ देंगे वहाँ पर एशेज को, ठीक, तो क्या वहाँ पे फिर से पेड़ उगेंगे? नहीं उगेंगे, ठीक। तो आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फायर। बहुत सारे फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर लग जाती है जिसकी वजह से पूरे पूरे फॉरेस्ट जल जाते हैं, तो वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। फॉरेस्ट लैंड शुड नॉट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। फॉरेस्ट लैंड जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नहीं यूज़ होना चाहिए। एवरी पीस ऑफ बैरन लैंड शुड बी प्लांटेड विथ ट्रीज। बैरन लैंड मतलब बंजर ज़मीन में भी हमें ट्रीज प्लांट करने की कुछ टेक्निक्स निकालनी चाहिए। ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स शुड बी कंट्रोल्ड। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ग्रेजिंग तो करते हैं लेकिन उसके साथ ओवर ग्रेजिंग करते हैं, चलते चले आ रहे हैं, ठीक है। उनको उनका कोई लिमिट नहीं है, वो लोग एक बार खाना शुरू कर दें पेड़ पत्तियों को तो वो लोग खाते चले जाते हैं, तो वो हमको कंट्रोल करनी चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर इज़ टू प्लांट मोर ट्रीज। हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए। अंडरस्टैंड सोशल फॉरेस्ट्री विच इन्वॉल्व्स एफॉरेस्टेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द एनवायरनमेंट एज वेल एज द ह्यूमन सोसाइटी। हमें बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जो एनवायरनमेंट को और ह्यूमन सोसाइटी को, दोनों को फ़ायदा करे, दोनों को बेनिफिट दे। फिर डू यू नो का बॉक्स आ गया हमारे पास कि क्या आपको पता है वी आर लूजिंग अर्थ ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल ट्रेजर्स जस्ट एज वी आर बिगनिंग टू अप्रिशिएट देयर ट्रू वैल्यू। रेन फॉरेस्ट वंस कवर्ड 14% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस, नाउ दे आर कवर अ मियर 6%। पहले जो रेन फॉरेस्ट थे वो 14% ऑक्यूपाई करते थे पूरी अर्थ का, अब सिर्फ 6% करते हैं, जिससे हमें क्या पता चला कि ऑक्सीजन रेट घट गई, ट्रीज घट गए। नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल बी डिस्ट्रॉयड और सेवियरली थ्रेटेंड ड्यू टू रेन फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन। और इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की हाफ ऑफ द स्पीशीज, यानी कि जितनी वर्ल्ड में स्पीशीज हैं उनकी करीब आधी जो स्पीशीज हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ रिफर्स टू प्लांट्स एनिमल्स बर्ड्स एंड अदर लिविंग क्रीचर्स विच लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ जो है वो है प्लांट्स एनिमल्स और बर्ड्स से रिलेटेड और जहाँ पर वो रहते हैं उससे रिलेटेड। द वाइल्ड लाइफ इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का एक बहुत ज़रूरी पार्ट है वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर इंटरलिंक्ड, और जो नेचुरल वेजिटेशन है वाइल्ड लाइफ है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। द फॉर्मर प्रोवाइड्स द नेचुरल हैबिटेट टू द लेटर। जो पहले आता है फॉर्मर वो लेटर को हैबिटेट प्रोवाइड करता है। नो वन नोज एग्जैक्टली हाउ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स आर देयर इन द वर्ल्ड, और किसी को ये नहीं पता कि कितने सारे एनिमल्स हैं इस वर्ल्ड में। ओवर अ मिलियन काइंड आर नाउ एंड मैनी न्यू वंस स्पेशली स्मॉल वंस आर डिस्कवर्ड एवरी ईयर। पहले तो हमारे पास है ही मिलियन टाइप के, और हर साल छोटे छोटे और डिस्कवर होते जा रहे हैं।
Let us now learn about the variety of wildlife that is found in different continents. और किन किन continents में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ मिलती है ये हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले आया हमारा अफ्रीका. अफ्रीका जो है वहाँ पर वेरीड वाइल्ड लाइफ है, मतलब बहुत सारे टाइप्स के वाइल्ड लाइफ, बहुत सारे टाइप्स के एनिमल्स देखने को मिलते हैं. Dense equatorial forests and swamps are home to different species of apes and monkeys, pythons, elephants, hippopotamus, rhinoceros and variety of birds and insects. जो dense और equatorial forest है वो घर बनाते हैं किन का, इनका, apes का, monkeys का, python. python यानी कि सांप, बहुत जो जहरीला सांप होता है उसको हम बोलते हैं python, उसका नाम होता है python. elephant, हिप्पोपोटामस, डाइनासोरस और बहुत सारी वैरायटी बर्ड्स की. ठीक, और क्या, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स भी मिलते हैं हमको. तो ये पाए जाते हैं अफ्रीका के किस में, डेंस एंड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और स्वैम्प्स में. फिर लार्ज नंबर ऑफ हूव्ड एनिमल्स सच एज डियर, जिराफ, ज़ेब्रास एज वेल एज चीतास एंड लेपर्ड्स आर फाउंड इन सवाना ग्रासलैंड. हूव्ड मतलब जिनके पैरों में आप देखें हूव होते हैं, ऐसे हील टाइप की बनी रहती है, ऐसे जैसे कि आपने काऊ के पैर में देखा होगा, हॉर्स के पैर में जो जब चलें तो ठक 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 तक आवाज़ आती है ना, तो उसको हम बोलते हैं हूव. हूव्ड एनिमल्स जैसे कि डियर होते हैं, जिराव होते हैं, ज़ीब्रा, चीता. ठीक, ये सब पाए जाते हैं अफ्रीका में. साउथ अमेरिका में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ पर एक अमेजिंग वैरायटी है वाइल्ड लाइफ की. और यहाँ पर कॉन्डोर्स मिलते हैं, लार्जेस्ट बर्ड जो है वो रियाज यहाँ पर मिलती है, विच इज़ अ फ्लाइटलेस बर्ड, जो उड़ नहीं सकती वो यहाँ पर मिलती है, उसका नाम क्या है, रियाज. उसके बाद द फॉरेस्ट आर फुल ऑफ मंकीज, मंकीज मिलते हैं यहाँ पर, प्यूमा मिलते हैं, प्यूमा एक ब्रांड भी है, एक चीता ऐसे बना होता है, इतनी अच्छी नहीं है पर ऐसी वो चीता बना होता है जिसके दो हाथ ऐसे आगे को होते हैं ऐसे, तो प्यूमा ब्रांड है, आप लोगों ने देखा होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है. एंड जैगुआर, जैगुआर भी है. फिर लामास आर फाउंड इन एंडस माउंटेंस, यहाँ पर एंडस माउंटेंस हैं जहाँ पर लामास मिलते हैं हमको, और क्रोकोडाइल मिलते हैं, एलिगेटर मिलते हैं, जाइंट टर्टल, बड़े बड़े टर्टल मिलते हैं, और बहुत सारे वेराइटीज़ के स्नैक मिलते हैं जिसमें एनाकोंडा भी इंक्लूडेड है. एनाकोंडा आपने फिल्म देखी होगी ना, बहुत बड़ा स्नेक होता है, बहुत मोटा और बहुत बड़ा स्नेक होता है एनाकोंडा, कहाँ पर, मार्शलैंड में पाया जाता है. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या पाया जाता है, तो मार्सुपल्स के लिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो फेमस है. एनिमल्स हु कैरी देयर यंग वंस इन पाउच, मार्सुपल्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो अपने बेबीज को एक पाउच में कैरी करें, पाउच वो टांगने वाला पाउच नहीं, पाउच मतलब उनके एब्डोमेन रीजन में, पेट वाले रीजन में एक पाउच बना होता है, वहीं पे वो लोग कैरी करते हैं, जैसे कि होता है कंगारू, कंगारू या फिर कंगारू कुछ भी बोल सकते हैं, तो जो कंगारू होता है वो कैरी करता है. कोआला, कोआला एक बहुत ही क्यूट सा एनिमल होता है जो अपनी पीठ पे अपने क्या कहते हैं बेबी को लिए रहता है. एंड वॉलबे आर अदर नेटिव्स ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, तो ये सारे जो एनिमल्स हैं इस कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं. फिर द इमू एंड द प्लैटिपस आर टू अदर क्रीचर्स दैट आर फाउंड हेयर. इमू एक बर्ड का नाम है और प्लैटिपस एक एनिमल है, जो दो और क्रीचर हैं यहाँ पर पाई जाती हैं. जो इमू है ये उड़ नहीं सकती है. इमू इज़ अ लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड, देखिए मैंने आपको बताया ये उड़ नहीं सकते. और द प्लैटिपस इज़ अ एग लेइंग मैमल, और जो प्लैटिपस है वो एग लेइंग मैमल है, यानी कि मैमल है जो एग ले करता है. मैमल जनरली यंग वंस को जन्म देते हैं, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये है एक एग लेइंग मैमल. द डेंगो और वाइल्ड डॉग इज़ द नेटिव कार्निवोरस एनिमल, और यहाँ पे कार्निवोरस एनिमल है डेंगो या फिर वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ता. द कूकाबुरा
also known as laughing jackass, is another bird found here. और laughing jackass या फिr kookaburra यहाँ पर पाए जाते हैं. फिर है हमारा एशिया. एशिया में पाए जाते हैं polar bears, wolves, wild boars, sheep, rabbits और foxes. ठीक है. और यहाँ पर birds जो हैं वो पाई जाती हैं partridges, skylarks, nightingales, etc. तो ये सारी birds और ये सारे animals यूरोप में पाए जाते हैं. फिर नॉर्थ अमेरिका में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होता है क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट में होता है. और एनिमल्स जो होते हैं वो टुंड्रा और एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट से अडेप्टेड होते हैं. ठीक है. उन्हें आदत होती है टुंड्रा वेजिटेशन की और एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट की. दे हैव थिक फर आउटसाइड एंड वूली अंडरकोट टू कीप देमसेल्व वार्म. और उनके पास बहुत सारे फर होते हैं और अंडरकोट जो होता है वो वूली होता है ताकि वो अपने आप को गर्म रख सकें. सम ऑफ देम आर पोलर बियर, मस्क ऑक्स, आर्कटिक फॉक्स एंड रेनडियर. पोलर बियर, मस्क ऑक्स, आर्कटिक फॉक्स और रेनडियर इनमें इंक्लूडेड है. द प्रेरीज आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ बाइसन, रैबिट्स एंड डॉग्स. प्रेरीज जो है यहाँ पर क्या मिलता है, बाइसन मिलते हैं, रैबिट मिलते हैं, डॉग मिलते हैं. इन द टाइगा फॉरेस्ट करीबू, एल्क, मूस, बियर, सेबल एंड मिंक आर कॉमन. और ये सारे जो होते हैं ये टाइगा फॉरेस्ट में मिलते हैं. तो ये तो आपको सीधे सीधे याद करने हैं, ये मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ आपको, याद तो आपको करना ही पड़ेगा है ना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है. फिर एशिया में क्या मिलता है, एशिया में हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट भी आता है. तो एशिया जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ है, बहुत वैरायटी की वाइल्ड लाइफ है. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में मिलते हैं हमारे एनिमल्स जैसे कि मंकीज, स्लॉथ, ट्री लिजर्ड एट्सेट्रा. फिर बहुत बड़ी वैरायटी बर्ड्स की और इंसेक्ट्स की भी पाई जाती है जैसे कि एलिफेंट्स हो गए, डियर, राइनोसोरस, लेपर्ड्स और टाइगर्स यहाँ पे मिलते हैं. ठीक है. फिर ये कहाँ पर मिलते हैं, ये मॉनसून फॉरेस्ट में मिलते हैं. फिर टेम्परेट बेल्ट जो होती है वो इंक्लूड करती है हीरोन्स को, पीकॉक्स को, बियर्स को, क्रेन्स को, फॉक्सेस को और स्क्वायरल को. तो ये सारे किस्में टेम्परेट बेल्ट, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर ना हो ना कम हो, मॉडरेट टेम्परेचर हो, तो वहाँ पर ये मिलते हैं. फिर जिन एनिमल्स का फर होता है एज सेबल, मिंक, लाइनिक्स, पोलर बियर, मस्क ऑक्स, आर्कटिक फॉक्स एट्सेट्रा आर फाउंड इन टाइगर एंड टुंड्रा रीजन ऑफ एशिया. ठीक है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है जो पाई जाती है हमारे एशिया में. आगे पढ़ लेते हैं. वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, इंडिया में क्या पाया जाता है. तो इंडिया के पास बहुत अच्छी वैरायटी है वाइल्ड लाइफ की. इंडिया इज़ द रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. द टाइगर, इंडिया इज़ नेशनल एनिमल. नेशनल एनिमल आपको पता ही होगा इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर है. ठीक है. इज फाउंड मैनी पार्ट्स इन द कंट्री और बहुत सारे पार्ट्स में पाया जाता है. पर्टिकुलरली ये जो है हिमालयस के फुट हिल्स में पाया जाता है, मतलब नीचे वाले रीजन में पाया जाता है हिमालय के. फिर और एलिफेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं असम में. और लेपर्ड जो है वो किसी भी फॉरेस्ट में ऑल ओवर इंडिया देखने को मिल सकता है. द एशियन, गिर अप कर देते हैं, द एशियंटिक लॉयन इज फाउंड मेनली इन द गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इन गुजरात. जो गिर फॉरेस्ट है और जो नेचुरल पार्क है गुजरात में, वहाँ पे एशियनिक लॉयन आपको मिल जाएगा. फिर मार्शी फॉरेस्ट जो है आसाम और नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल का, वो एक हैबिटेट है हॉर्न्ड राइनोसोरस के लिए. हॉर्न्ड राइनोसोरस कहाँ मिलते हैं, मार्शी फॉरेस्ट आसाम के और नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल के. रेड पांडा मिलता है यहाँ पे, मस्क डियर मिलता है, आइबेक्स जो है यहाँ पर मिलते हैं. और द हिमालयन फॉरेस्ट द इंडियन बाइसन नोन एज गौर एज फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेटी ऑफ द पेनिनसुलर रीजन. तो ये सारे जो हैं ये सारे एनिमल्स पाए जाते हैं हमारे इंडिया में और अलग अलग प्लेसेस पे पाए जाते हैं.
अब फैक्ट फाइल देख लेते हैं। स्नेक्स ऑलवेज कीप देयर आईज ओपन इवन व्हेन दे आर एस्लीप, जब वो सोते हैं तब भी अपनी आंखें खोले रहते हैं, कौन? स्नेक्स। फिर पोलर बियर लुक वाइट बट एक्चुअली हैव ब्लैक स्किन, उनकी ब्लैक स्किन होती है लेकिन उनके फर की वजह से वो लोग वाइट दिखते हैं। एनाकोंडा जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक है, सबसे बड़ा स्नेक है, और वो अपने यंग वंस को बर्थ देता है इंस्टेड ऑफ लेइंग एग्स, अंडे नहीं देता वो, सीधे अपने यंग वंस को बर्थ देता है। ठीक। अदर एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंक्लूड मंकीज, वुल्व्स, जैकल, फॉक्सेस, बियर्स एंड मैनी स्पीशीज ऑफ डियर एंड एंटेलोप्स, हाइनास एक्सेट्रा। और ये जो स्पीशीज है ये भी मिलती है हमारी कंट्री में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में। अ वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स लाइक स्नेक, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, लिजर्ड एक्सेट्रा फाउंड इन द रिवर्स एंड मार्शेस, रिवर और मार्शी एरियाज, दलदली इलाके में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ये सारे एनिमल्स हमें पाए जाते हैं। फिर इंडिया इज़ द होम टू मोर देन 1000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स विच इंक्लूड पैरट्स, पैरट्स आपको देखने को मिलते होंगे, किंगफिशर आपको देखने को मिलती होंगी, क्रोज, पीकॉक्स, फीजेंट्स, डक्स, पिजन्स, क्रेन्स, ये सारे में देखने को मिलते हैं। अब हमारे सामने कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, हम वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज पोज द ग्रेटेस्ट डेंजर वाइल्ड लाइफ एंड देयर नेचुरल हैबिटेट। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो सबसे बड़ी डेंजर है किसको? वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटेंट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। ठीक। क्योंकि ह्यूमन अपने सेल्फिश ग्रीड्स के लिए एनिमल्स को मार देते हैं, तो कुछ एनिमल्स जो हैं वो इंडेंजर हो गए हैं और कुछ एक्सटेंट होने वाले हैं। और लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन जो है उसने हमारे नेचुरल हैबिटेट को चुरा लिया है, हैज़ रॉब्ड द वाइल्ड लाइफ ऑफ नेचुरल हैबिटेट, तो नेचुरल हैबिटेट के वाइल्ड लाइफ को चुरा लिया है। अभी यहाँ पे एक डू यू नो का बॉक्स है। द वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर WWF इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच प्रमोट्स द वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ। WWF इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन 1969 टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ठीक है, तो ये क्यों इस्टेब्लिश हुई थी? ताकि इंडिया का वाइल्ड लाइफ कंजर्व हो। Therefore, the need of R is to conserve wildlife resources. ठीक। National parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves have been set up to preserve wildlife in their natural habitat. National parks set up किए गए हैं, wildlife sanctuaries set up किए हैं, biosphere reserves set up किए गए हैं ताकि natural habitat जो है वो बचा रहे। There is a balance in environment in relative numbers of species is not disturbed. ठीक। बैलेंस बनाए रखते हैं एनवायरनमेंट में ताकि जो नंबर ऑफ रिलेटिव स्पीशीज है वो डिस्टर्ब ना हो। द इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग ऑफ एनिमल्स हैज़ टू बी चेक्ड एंड लॉज हैव टू बी द एंड लॉज हैव द हैव टू बी मेड अगेंस्ट इट। और लॉज बनने चाहिए पोचिंग, पोचिंग यानी कि इलीगली उनकी स्किन के लिए, या फिर राइनोसोरस जो होते हैं हॉर्न्स के लिए, या फिर एलिफेंट उनके दांतों के लिए मारने के लिए, तो उसको हम पोचिंग बोलते हैं। इंडिया में लॉयंस माने जाते हैं, टाइगर माने जाते हैं, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पीकॉक, तो इनको मार दिया जाता है, तो इसकी जो किलिंग है वो बैन कर दी गई है। इंटरनेशनल कन्वेक्शन साइट्स हैज़ बीन इस्टेब्लिश दैट लिस्ट सेवरल स्पीशीज ऑन एनिमल ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स हूज ट्रेड आर प्रोहिबिटेड। ठीक। और इनकी जो ट्रेड है वो प्रोहिबिटेड कर दी गई है, मतलब बंद कर दी गई है किसने? जो कंजर्वेशनल साइट्स हैं जगह जगह पे इस्टेब्लिश हुए हैं उन्होंने। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये याद रखिए कि अगर कोई भी आप लोग के आसपास किसी एनिमल को परेशान करते हुए दिखता है तो ये बहुत ही गलत बात है। आप खुद किसी एनिमल को परेशान नहीं कीजिए और दूसरों को भी सिखाइए। ख़ास तौर पर जो पेड़ होते हैं, आप अगर पहली बात तो पेड़ काटिए ही मत, और अगर आप किसी भी रीज़न से काट भी रहे हैं तो उसकी जगह पर एक नया पेड़ लगा दें।
ठीक। और यह चैप्टर जो है ये बेसिकली एक रटने वाला चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको इसमें याद करना है और याद ही याद करना है, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स जो हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेशन, ये थोड़े समझने वाले हैं, बाकी सब आपको रटना है। तो मैंने तो आइए आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी सब आप रटेंगे। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, सी यू सून।